देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी की बेटी को लेकर दबायर और गोवा में खबरें छपी। हम पूछना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से कि जवाब दीजिए, क्या ये सच है कि आपकी बेटी को गोवा के एक्साइज कमिश्नर ने शोकॉज नोटिस भेजा है? आरटीआई में क्या ये सच है, खुलासा हुआ है कि आपकी बेटी जो गोवा में सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम से रेस्टोरेंट रन करती हैं, उसमें जो शराब परोसने का लाइसेंस है वो फर्जीवाड़ा करके हासिल किया गया है, ये आरोप है उन पे। क्या ये सच नहीं है? हम पूछना चाहते हैं कि जिस शख्स की, मुंबई में रहने वाले जिस शख्स की मौत 17 मई 2021 को हो चुकी थी, उसी के नाम से 22 जून 2022 यानी कि 13 महीने बाद उसी आदमी के नाम से लाइसेंस प्राप्त किया गया, ये फर्जीवाड़ा किया गया? देश जानना चाहता है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से कि क्या आपने अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गोवा में ही अपनी सरकार पर ये दबाव बनाते हुए, सारे नियमों को तोड़ते हुए, फर्जीवाड़ा करते हुए एक लाइसेंस हासिल करना, रेस्टोरेंट अवैध तरीके से चलाने में मदद की या नहीं की? आज देश इन सवालों को के जवाब आपसे चाहता है। उम्मीद है आप चुप नहीं रहेंगी, आगे आएंगी और जवाब देंगी।